हाय फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं सम सैंड ड्यून्स। सम सैंड ड्यून्स में रेत के धोरे हैं और बहुत ही खूबसूरत रण है। तो हम लोग निकल चुके हैं, 4 बज रहा है और 45 मिनट का सफ़र, 35-40 मिनट का सफ़र है। कितना किलोमीटर है मदन सिंह? 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर है यहाँ से, तो मेरे ख्याल से 45-50 मिनट लगना है। हम लोग स्कॉर्पियो S11 से जा रहे हैं और हार्डली हम लोग 4:45 तक पहुँच जाएंगे। तो पहले रिजॉर्ट जाएंगे, रिजॉर्ट जाने के बाद फिर वहाँ सामान रखेंगे, सामान रखने के बाद फिर हम लोग रन की तरफ जाएंगे, सम धोरे पर जाएंगे। वहाँ पर जाकर रेत के धोरे हैं जहाँ पर हम कैमल सफारी और जीप सफारी भी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं तब तक ब्रेक के बाद। ये जैसलमेर का वन ऑफ द बेस्ट होटल है जिसका नाम सूर्यगढ़ पैलेस है। यहाँ पे जो भी फिल्म स्टार शूटिंग के लिए आते हैं वो यहीं पे रुकना पसंद करते हैं। इसका बाहरी स्ट्रक्चर किले की तरह बनाया गया है लेकिन अंदर से ये बहुत ही खूबसूरत है। के रास्ते में पैराग्लाइडिंग भी होती है, आप वहां रुककर पैराग्लाइडिंग का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं, जिसे आप एडवेंचर भी कह सकते हैं। यहाँ प्रोग्राम होता है, कल्चर प्रोग्राम होते हैं, यहाँ कई गेस्ट आते हैं। आज 30 मिनट है, 12 बजे तक डीजे साउंड ऑन चलेगा। काफी अच्छा प्रोग्राम होता है यहाँ पे, बहुत फायदा लगेगा। कल्चर प्रोग्राम में क्या क्या है? कल्चर प्रोग्राम गालबेलिया डांस वांस होगा, मटका फोक डांस, खाने का की अरेंजमेंट, खाने का अरेंजमेंट, दाल बाटी चूरमा राइस चपाती के साथ इकट्ठा कड़ी है ना, एक पापड़ सलाद। और आप क्या क्या यहाँ से सबको, कैमल सफारी, जीप सफारी, कैमल सफारी, जीप सफारी होता है यहाँ से, रन होता है 35 किलोमीटर, वहाँ जीप सफारी होती है, 3 डिजिट होते हैं, क्लिक कराते हैं, फिर कैमल सफारी ले जाते हैं, सनसेट पॉइंट करते हैं। आप की नाम साहब? मेरा नाम जुलदार सिंह घाटी बुंडला। धन्यवाद साहब। हमें वन नाइट स्टे करने के लिए इस तरह के डबल ऑक्यूपेंसी बेड मिल जाते हैं जो रात में गर्म भी होता है, साथ साथ आपको अटैच वॉशरूम भी मिलता है। चलिए दिखाते हैं कि कैसा है वॉशरूम।
तारीफ भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ा आता है। थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन अपने लाइफ में एक बार कोई ना कोई चीज़ ऐसा करना चाहिए जिससे आपको एक अलग एहसास हो, ये भी एक अलग अनुभव है। हाय गाइस, आज का हमारा ये शाम का जो प्रोग्राम था, यहाँ हमने रेत के धोरों पर बहुत सारा एंजॉय किया। हम और मेरी मिसेज ने मिलकर काफ़ी एंजॉय किया। यहाँ पे हम लोगों ने रेत के धोरों में उछला कूदा, ऊँट की सफारी करी। अब ये शाम हो चुका है, सनसेट हो चुका है, अब हम कैंप की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम देखेंगे और इंजॉय करेंगे। लेकिन गाइज मैं सच बता रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, धोरों पर खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता है। कभी भी आप भी ये ट्राई कीजिए, ये आपके लिए जिंदगी में रोमांच भर देगा, बहुत अच्छा लगता है गाइस, ट्रस्ट मी। बाय। You.